Hi guys, welcome back to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACE exam के बारे में जो कि provide किया जा रहा है Aviatrix की तरफ से. सो so, एस है एवियाट्रिक्स सर्टिफाइड इंजीनियर की सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दी जाएगी साथ ही मैं आपको सर्टिफिकेशन एग्जाम भी दिया जाएगा और उसके बाद एट दी एंड आप यहाँ से एवियाट्रिक्स की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट ऑप्टेन कर सकते हैं एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये सर्टिफिकेशन एग्जाम एट नाइन्टी का है बट डोंट वरी मैं आज आपको ये एग्जाम एब्सुलूटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेके भी दिखाऊंगी और साथ ही मैं आप ये तो जानते होंगे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं इस पर मैं भी एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ बट ये अब तक की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो रह चुकी है कि आप हमें इस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी हेल्प हमें प्रोवाइड कीजिए एग्जाम डम्स प्रोवाइड कीजिए बट डोंट वरी एट दी एंड में आपको यहाँ पे इस सर्टिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी हेल्प है उसका लिंक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सो so मैं आपको ये बोलूंगी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए आपको बहुत ही क्वालिटी इन्फॉर्मेशन यहां पर मिलने वाली है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेस स्टार्ट द वीडियो Before starting the video, I would like to request all my viewers if you are new to my channel, then please go and subscribe to it and don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update. Also, I'm active on my Telegram channel and my WhatsApp group, so if you want to ask me anything related to free courses, certification, or anything related to your career, then you can join me there. सो so, एवीट्रिक्स की तरफ से जो आपको ए सर्टिफिकेशन मिल रही है विच इज़ एवियट्रिक्स सर्टिफाइड इंजीनियर ट्रेनिंग इन सर्टिफिकेशन जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है उसका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ये रहा इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर पहुँच जाएँगे आप देख सकते हैं सेल्फ पेस्ड एसोशिएट कोर्स है अवेलेबल है, है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं फेबररी 28 तक और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पास जो है वो कोड भी दिया गया है जिसके थ्रू आप इसको एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं सो इस हॉलीडे यूज करके आप क्या कर सकते हैं इस सर्टिफिकेशन एग्जाम को एब्सोलूटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं सो so, चलिए जल्दी, जल्दी से हम साइन अप करके देख लेते हैं साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपकी डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएगी फुल नेम ई एड्रेस और आपको यहाँ पर पासवर्ड अपना सेट करना होगा एक बार जब आप अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं तो so आप देख सकते हैं आपके डैशबोर्ड में कुछ इस तरह से ये सर्टिफिकेशन uh, एग्जाम जो है वो आ जाएगा क्लिक करते ही आपके पास मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आपके पास जो है वो आपका कोर्स का डिस्क्रिप्शन क्या क्या चीज़ें आप सीखने वाले हैं सो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लाउड नेटवर्किंग वन ओ वन का आपके पास जो है बेसिक नेटवर्किंग आपको सिखाई जाएगी और कॉन्सेप्ट ऑफ ई डब्ल्यू एस रहेंगे जयर के बारे में सिखाया जाएगा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में होगा और एक्ल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी देन आफ्टर यू गाइज कैन सी मल्टी क्लाउड नेटवर्क आर्किटेक्चर का किस तरह से आप मल्टी क्लाउड का डिज़ाइन बना सकते हैं कैसे प्लान आउट करनी है चीज़ें सो so वो वह यहाँ पे सीखने को मिलेगा और आपको एवियट्रिक्स का क्लाउड नेटवर्क प्लेटफॉर्म जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे दी जाएगी कोर्स डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूँ तो एवियट्रिक्स सर्टिफाइड इंजीनियर एसोशिएट एग्जाम बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो कि टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं जिनको इंटरेस्ट है ए डब्ल्यू एस में जोर में जी सी पी में सो so वो उन लोगों के लिए ये सर्टिफिकेशन काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की सो so यहाँ पे सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज होनी चाहिए कुछ कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर आपको वो पता है सो so आप काफ़ी आराम से यहाँ पे जो है वो कोर्स भी कम्प्लीट कर पाएंगे और साथ ही में यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी uh, ले पाएंगे so सो बात करते हैं इसका करिकुलम भी नीचे दिया गया है

सर्टिफिकेट भी मेरे पास आ चुका है सो एट दी एंड मैं आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिखाने वाली हूँ उससे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं सो so नीचे आप देख सकते हैं एट नाइन्टी फाइव डॉलर्स आपको पे करने पड़ेंगे टू गेट इनरोल्ड इन दिस कोर्स बट हम यूज़ करने वाले हैं एज हॉलीडे एज कूपन कोड जो कि हमें स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड कर दिया गया था उसको अप्लाई करके हम यहाँ क्या कर सकते हैं इस कोर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे सो so ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर जो है वो कूपन कोड का ऑप्शन आ चुका का है मैं यहां पे अपना कोड जो है वो यूज़ करने वाली हूँ फिर देखते हैं हमारे पास ये एग्ज़ाम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है कि नहीं सो so आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन जो है वो एप्सोलूटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकती हूँ 100% परसेंट ऑफ कूपन कोड मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं इस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम को एप्सोलूटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं सो so हम क्लिक करेंगे आप गेट इट फॉर फ्री पे एंड आप देख सकते हैं मैं इस कोर्स में इमरॉल हो चुकी हूँ अब आपको एक ई आने वाली है जिसे कन्फर्मेशन ई भी बोला जाता है कन्फर्मेशन ईमेल के थ्रू आप अपना अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं एंड आप ये जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं चलते हैं हमारे कोर्स करिकुलम की तरफ सो so, जैसे ही आप यहाँ पे एक बार लॉग इन साइनअप कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो है आपका कोर्स का करिकुलम आ चुका है सेक्शन वन में आपके पास जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो दिया गया है अबाउट ए सर्टिफिकेशन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि हर एक सेक्शन के अंदर और हर एक मॉड्यूल के अंदर आपको क्विजेस मिलने वाले हैं जिस क्विज़ेस के आंसर मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको जो है वो सेवेंटी परसेंट मार्क्स यहाँ पर जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे तभी आपका एक जो क्विज़ है वो आपका यहाँ से कम्प्लीट होगा बट डोंट वरी अगर आप एक बार में नहीं अपटेन कर पाते सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स या सेवेंटी परसेंट मार्क्स तो आपको यहाँ पे मल्टीपल रीटेक्स दिए जा रहे हैं सो तो आप बार बार रीटेक करके भी उन क्विजेस को कंप्लीट कर सकते हैं अब बात करते हैं कि कितने सेक्शंस हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है पब्लिक क्लाउड नेटवर्किंग है इसके अंदर आपके पास नेटवर्किंग प्रिंसिपल सिखाया जाएगा एज में कैसे नेटवर्किंग होती है जी में कैसे होती है ए में कैसे होती है सो so वो आपका सेक्शन टू रहने वाला है थर्ड सेक्शन में आप देख सकते हैं मल्टी क्लाउड नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है फोर्थ में आप देख पाएंगे एवियट्रिक प्लेटफॉर्म के बारे में आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है उससे अगला मॉड्यूल है हमारे पास ऑपरेशन विजिबिलिटी एंड ट्रबल शूटिंग का सो so ये आपके पास जो है वो अभी तक के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो हैं उसके बाद आपके पास यहाँ पे कस्टमर केस स्टडी भी आने वाली है सो so ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर आपको जैसे कि मैंने बताया क्विजेज़ सेक्शन आने वाले हैं क्विजेज़ आपको यहाँ से कम्प्लीट करने पड़ेंगे कोर्स अगर मैं बताऊँ कि कैसे आप कम्प्लीट कर सकते हैं सो एटलीस्ट यू हैव टू वॉच नाइन्टी ऑफ द वीडियो नाइन्टी अगर आप वीडियो यहाँ पर वॉच कर लेते हैं और साथ में आप अगर क्विज में सेवेंटी और अबव यहाँ पर स्कोर कर लेते हैं सो so आपका कोर्स यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगा सो so ये रहा इस का जो है वो पूरा प्रोसीजर कैसे आप यहाँ से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं एक बार जब आप यहाँ से कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा जो कि कुछ इस तरह का होगा जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको एवियाट्रिक्स सर्टिफाइड इंजीनियर का जो है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है इसके साथ साथ आपको ये जो बैच आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा है ये भी आपको अलॉट कर दिया जाएगा बट यहाँ से आपके पास जो है सिर्फ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है इससे आपका जो है वो फाइनल एग्ज़ाम का जो मेन एवियट्रिक्स सर्टिफाइड इंजीनियर का सर्टिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे शेयर नहीं किया जाता है मैं आपको बताती हूँ उसका प्रोसीजर कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सो so आपको जाना है सबसे लास्ट में कंक्लूजन सेक्शन जो है कोर्स फीडबैक के नीचे आप देख सकते हैं हाउ टू टेक द फाइनल एग्जाम सो यहाँ पर फाइनल एग्जाम से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई है इसी सेक्शन में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप एग्ज़ाम यहाँ पे अपेयर कर सकते हैं क्या क्या इनका क्राइटेरिया रहेगा रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर आप किसी भी तरह का स्क्रीन नहीं ले सकते किसी भी क्वेश्चन का या आप किसी और विंडो को यूज़ नहीं कर सकते किसी और टैब पर नहीं जा सकते सो तो ये ऑनलाइन सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर की जाती है मैंने यहाँ से पर्सनली यह एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और साथ ही में, में मेरे पास ये सर्टिफिकेशन भी आ चुकी है सो मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि विद इन ट्वेंटी फ़ोर आवर्स ऑफ योर एग्ज़ाम

अब मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप स्केड्यूल कर सकते हैं इस एग्जाम को सो ए, नीचे ही आपके पास स्केड्यूलिंग द एग्जाम का ऑप्शन दिया गया है स्केड्यूलिंग द एग्जाम में आप देख सकते हैं आपके पास कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे शेयर की गई हैं वो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं अगर मैं एग्ज़ाम स्कड्यूल करने की बात करूँ सो नीचे आप देख सकते हैं आपके पास सारे ऑप्शन दिए गए हैं तीन स्टेप प्रोसेस आपका रहने वाला है सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का टाइमिंग और डेट यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी सेट करने के बाद आप पेमेंट और कंफर्मेशन यहाँ पे चूज कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं आप देख सकते हैं फेब्ररी में अवेलेबल डेट्स जो हैं दैट विल बी ऑन इलेवेंथ सेवनटीन एटीन ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी सो इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं टाइमिंग आपको साथ ही में बता दी जाएगी कि किस टाइम पे अवेलेबल रहेगा एग्जाम सो so, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं अपना एग्जाम यहाँ पे स्कड्यूल कर सकते हैं देन आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन कंप्लीट एंड रिजल्ट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा विद इन सेवन डेज तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप पास करते हैं एग्जाम को तो विद इन सेवन डेज आपके पास रिजल्ट भी आ जाएगा आपकी सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे अलॉट कर दी जाएगी इन केस अगर आप एक बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ पे अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं सो दोबारा से आप वही प्रोसीजर फॉलो करके फिर से एग्जाम मत दीजिए अनटिल और अनलेस आपके पास आपका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आ जाता अब देखते हैं कि किस तरह का हमारे पास सर्टिफिकेशन आता है जो कि मेन सर्टिफाइड इंजीनियर का सर्टिफिकेशन होता है वो किस तरह का आता है आफ्टर कंप्लीटिंग द फाइनल एग्जाम्स तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ आपके मेल में आपके पास शेयर किया जाता है मल्टी क्लाउड नेटवर्क एसोसिएट सर्टिफिकेट का आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की मेल आती है आपके पास एंड यहाँ पर आपके पास जो है वो सारी डिटेल्स लिखी गई है किस तरह से मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया कैसे मैंने ये सर्टिफिकेशन ली है और uh, सर्टिफिकेशन की बात करते हैं सो so, आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरह की सर्टिफिकेट आपको ऑफर की जाती है एवियाट्रिक्स की तरफ से जो कि आप देख सकते हैं मुझे बहुत पहले मिल चुकी है बट मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना भूल गई थी सो so, मैंने सोचा कि आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ बिकॉज एवियाट्रिक्स से रिलेटेड काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें बताइए किस तरह से हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं कैसे क्या क्या हमें चीज़ें फॉलो करनी चाहिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं सो उसी के लिए मैं स्पेशल वीडियो लेकर आ रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कैसे आप फाइनल एग्ज़ाम को स्केड्यूल कर सकते हैं क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं तो उन चीज़ों को आप कंसिडर कीजिए इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करने में सो आप मेरी हेल्प ज़रूर ले सकते हैं उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आप जानते हैं अगर आपके पास किसी भी तरह की प्रॉब्लम है सो उसका सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिलता है सो so, आज की इस वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको पसंद आई है अगर आई है सो so प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इस अमेजिंग सर्टिफिकेशन के बारे में पता चल सके और वो भी बन सके एवियाट्रिक सर्टिफाइड इंजीनियर सो so, आज की इस वीडियो में बस इतना ही दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे